हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, गति यानी मोशन। और इसमें आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको गति के तीनों समीकरण जो थे, यानी फॉर्मूला के रूप में तीनों को प्रूफ करके दिखाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम न्यूमेरिकल का part-1 वीडियो है ये, जिसमें 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपसे चाल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, चाल निकालना है, औसत चाल। तो चाल निकालने का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी और डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कुल समय। अब बताइए, तय की गई कुल दूरी कितना है। एक पहले 16 मीटर जा रहा है और फिर उसके बाद 16 मीटर और जा रहा है, और फिर डिवाइड करेंगे कुल समय कितना लग रहा है। पहले लग रहा है 4 सेकेंड और फिर लग रहा है 2 सेकेंड। तो 16 और 16 32 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा औसत चाल हो गया। तो एक नंबर तो बड़ा आसान था। अब देखिए, दो नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है, किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। तो देखिए, यहाँ पे ओडोमीटर एक नया शब्द आपको दिख रहा होगा। तो गाड़ी में, कार हो या कोई भी गाड़ी हो, उसमें स्पीड मापने वाला जो यंत्र लगा होता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। और दूरी मापने वाला, कि वो गाड़ी कितना दूरी तय किया, दूरी मापने वाला भी एक यंत्र लगा रहता है जिसको स्पीड ओडोमीटर कहते हैं। तो सोचिए कि कोई गाड़ी, कोई यात्रा जब शुरू हो रहा है, तो शुरू होते समय कार जो है उसका ओडोमीटर बता रहा है कि 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, यानी 2000 किलोमीटर वो पहले का चल चुका है और अभी यात्रा हम शुरू नहीं किए, शुरू होते समय 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। और फिर एक लंबा यात्रा समाप्त करने के बाद जो है उसमें देखने पर मालूम चला कि भाई 2400 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब क्या, जब शुरू किए थे तो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, जब समाप्त किए तो 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी तय की गई दूरी इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 400 किलोमीटर हम दूरी तय किए हैं टोटल। तो यहाँ पर लिख दिए, तय की गई दूरी इक्वल टू 2400 में से 2000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर। इसका मतलब 400 किलोमीटर दूरी तय किया गया है कार के द्वारा। और समय कितना लगा है, 8 घंटा। चलिए ये भी लिख दिए, समय बराबर 8 घंटा, इतना दूरी तय करने में 8 घंटा टाइम लग गया है। तो कह रहे इसका औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले औसत चाल निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर लिख दिए दूरी बट्टा समय। अब बताइए, दूरी कितना है, 400 किलोमीटर और समय है 8 घंटा, तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 50, यानी निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हो गया। लेकिन देखिए ना, क्वेश्चन में कह रहा था किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करिए, यानी दोनों में निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर में निकल गया ना 50, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको बता दें, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा कर दीजिएगा ना, तो किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। अभी बता रहे हैं कि क्यों 5/18 से गुणा किए, पहले आंसर ला दीजिए। 2 से कटाइएगा तो 9 बार में, 2 से कटाइएगा तो 25 बार में। तो बताइए, 25 × 5 = 125 और डिवाइडेड बाई 9। अब भाग दे दीजिएगा 9 से इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 13.9, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा एक। आपको बता देते हैं 5/18 से ही गुणा क्यों किए। देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। ये तो आपको पता ही है। तो किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लिए, 20 से 20 कट गया, 2 से ये 5 बार में, 2 से 18 बार में, तो कितना आ गया, यानी 1 किलोमीटर पर आवर में होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 50 किलोमीटर पर आवर में बदलना था तो 5/18 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार दो नंबर का भी आंसर आ गया। अब इसके बाद आइए और देखिए तीन नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर में कह रहा है, उषा 90 मीटर लंबे तरण ताल में
तैरती हुई, तरण ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, तो उषा जो है 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। अब मान लीजिए कि स्विमिंग पूल में यहाँ से चलकर, एक सिरे से चलकर और दूसरे सिरे तक पहुँचती है, ठीक है, और फिर कितना मीटर लंबा है तरण ताल, 90 मीटर लंबा है, तो यहाँ से चल के 90 मीटर आई और पुनः वापस आती है, यानी यहाँ से देखिए सबसे पहले 90 मीटर गई और फिर वापस भी रिटर्न यहाँ पे पहुँच गई इसमें, और इस पूरे यात्रा मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर लौट आने में टोटल कितना टाइम लगता है, 1 मिनट समय लगता है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें, तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब बताइए कुल दूरी कितना है, तो 90 मीटर गई है पहले और फिर 90 मीटर वापस आई है, तो 90 और 90 कितना हो गया 180, यानी दोनों जोड़ना पड़ेगा, टोटल टाइम लगा है कितना 1 मिनट, तो मिनट को सेकंड में तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो 1 मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 90 और 90 180 और 60 से गुणा कर दीजिएगा एक में तो 60 ही रह जाएगा, 60 से 3 बार में कटेगा, यानी औसत चाल हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका औसत वेग कितना होगा, ये भी निकालना है, तो हम आपको बता दें औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टा समय, क्या होता है विस्थापन बट्टा समय। तो देखिए विस्थापन कितना है, यहाँ से चलकर इधर गया है अब फिर रिटर्न यहीं पे आ गया है, यानी प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन का मान 0 होता है, क्योंकि विस्थापन का मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है, दोनों एक के पर है, यानी 0 हो जाएगा। बट्टा टाइम लग रहा है 60 सेकेंड, तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पर 0 ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों इसका आंसर हो गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का। अब आइए इसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाएंगे। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपको निकालना है औसत चाल किसी भी चीज का, कितना नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर, समझिएगा अच्छा से, अगर औसत चाल निकालना है तो फॉर्मूला होगा कुल दूरी बट्टा कुल समय, ये फॉर्मूला होगा तब जाकर आप औसत चाल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए कुल दूरी कितना है, तो ये तो आपको पता है पहले 30 किलोमीटर, फिर उसके बाद अगले 30 किलोमीटर, यानी फिर 30 किलोमीटर और, तो 30 किलोमीटर आप प्लस 30 किलोमीटर, तो कितना हो गया 60 किलोमीटर, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा, लेकिन टोटल कितना समय लग रहा है ये तो क्वेश्चन में कहीं डिस्कस ही नहीं किया है, समय तो कहीं दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें समय खुद से निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे फिल करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए लिखते हैं पहली स्थिति में, यहाँ दुग कंडीशन है, पहली कंडीशन में कह रहा 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और दूसरी कंडीशन में कह रहा 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो पहली स्थिति में जब आप समय निकालिएगा तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर पहली स्थिति में और चाल कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 30 में 40 से भाग दीजिए, लीजिए 0 से 0 कट गए, यानी हो गया 3/4 घंटा। फिर दूसरी स्थिति में देखिए, यहाँ लिख दिए दूसरी स्थिति में समय कितना हो जाएगा, तो दूसरी स्थिति में भी 30 किलोमीटर दूरी तय किया है कार और चाल कितना है इस बार 20 किलोमीटर पर आवर, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 3/2 घंटा, ठीक है। अब बताइए कुल दूरी के लिए टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला में था तो दोनों को जोड़ दिए 30 + 30, और टोटल समय कितना लगा, तो पहली बार लगा 3/4 घंटा और दूसरे 30 किलोमीटर में लग गया 3/2 घंटा, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो बताइए 30 और 30 60, ये दोनों का लघुत्तम कितना होगा 4 और 2 का लघुत्तम 4, 4 से 4 कट गया तो 3, और 2 से ये 2 बार में कटेगा तो 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 60 / 3 = 9 / 9
कितना हो जाएगा, 9 बटा 4 हो जाएगा। तो 60 है तो 60 है, इसमें भाग दे रहे हैं 9 बटा 4 से, इसको गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 बटा 9, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 20 बार में कटेगा। तो ये कितना हो गया आपका, 20 चौका 80 बटा 3, तो 80 में हमें भाग देना है 3 से, तो आ जाएगा कितना 26 पॉइंट, ये अबाउट 26.7 लगभग 26.66 आएगा, रिपीट करेगा, राउंडिंग वैल्यू निकालेगा तो 26.7 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये हो गया औसत चाल। तो ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए उसके कंपैरिजन में, तो ये 4 नंबर भी हो गया। अब आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को कि इसको कैसे बनाएंगे हम। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बस है जो 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर और शेष दूरी किस चाल से तय करे कि औसत चाल इतना हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी दो कंडीशन बन रहा है। सबसे पहले 5 नंबर में भी देखिए दो कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ लिख दिए हम पहली स्थिति में। चलिए हम समय निकाल लेते हैं, पहली स्थिति में कितना टाइम लगेगा। पहली स्थिति में, अच्छा एक बात बताइए, पहली स्थिति में 150 किलोमीटर तो लंबा मार्ग है, यानी 150 किलोमीटर टोटल तय करना है, जिसमें से 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी पहली स्थिति में 30 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है और चाल भी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 से 30 एक बार में कट जाएगा, यानी टाइम लग गया है कितना, एक घंटा। पहली स्थिति में एक घंटा टाइम लगा है। अब चलिए यहाँ लिखते हैं दूसरी स्थिति में कितना समय लगेगा। तो हम चलिए क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में कितना दूरी तय किया है, तो 150 किलोमीटर लंबा मार्ग है, 30 किलोमीटर तो पहले ही तय कर दिया और शेष कितना दूरी बचा, तो 120 किलोमीटर बचा। तो 120 किलोमीटर की जो दूरी है वह किस चाल से तय करे। देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी ना 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करे ये दिया था, तो 30 में 30 से भाग दिए, लेकिन 120 किलोमीटर की जो शेष दूरी बच रही है वो किस चाल से तय करे ये हमें पता ही नहीं है। वही तो पूछ रहा है कि किस चाल से तय करेगा 120 किलोमीटर की दूरी। चलिए हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करेगा, ठीक है, माने दूसरी स्थिति में 120 किलोमीटर दूरी तय करना है और मान लिए कि इस चाल से तय करेगा, हमें x का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है, इतना घंटा तब इसका मतलब टाइम लगेगा। अब बताइए औसत चाल क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, औसत चाल कितना दे दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहां लिख देंगे औसत चाल बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तो टोटल कितना दूरी तय करना है 150 किलोमीटर, माने पहले 30 फिर 120, टोटल कितना हो गया 150, अब बटा नीचे क्या लिखते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो टोटल समय लग रहा है पहली स्थिति में एक घंटा लगा और दूसरी स्थिति में लगा 120 बटा x बराबर कितना है 50 है। अब एक काम करते हैं ना, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 से इसमें गुणा होगा, तो 50 इंटू 1 प्लस 120 बाई एक्स अब बराबर 150, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे तो 150 हो जाएगा। अब देखिए इसका बट्टा का जोड़ कीजिए जो अंदर है, तो x से एक में गुणा होगा, तो x प्लस 120 अब बट्टा नीचे क्या है x अब बराबर 50 गुणा में है इधर आएगा, तो 50 क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, एक मिनट, यहाँ पे x नहीं रहेगा ना, x से x, x लघुत्तम हो गया, तो x से एक में गुणा हुआ तो x, x से x कट गया तो 120 बचेगा, 50 से ये तीन बार में कट जाएगा। अब बताइए क्या होगा, x प्लस 120 इज इक्वल टू x भाग में है उधर भेजेंगे तो x क्या होगा गुणा में, तो अब क्या होगा ये x प्लस में है उधर भेज दीजिए, तो इधर 120 बचा उधर 3x है और x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर हो गया 120 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा, तो हो गया 120 और ये दो गुना में इधर आएगा तो भाग में, अब बताइए 2 से 60 बार में कटेगा ना, इसलिए x बराबर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष जो दूरी है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करना पड़ेगा, तब जाकर उसका औसत चाल होगा 60 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। तो ये 5 क्वेश्चन बना लिए और 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो देखिए वो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर में कह रहा है विरामावस्था से चलकर एक साइकिल
30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, फिर ब्रेक लगाने पर अगले 5 सेकेंड में उसका वेग घटकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे यहाँ भी दो कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 6 नंबर में लिखेंगे, पहली स्थिति में क्या है, विरामावस्था से चलना शुरू किया था साइकिल, यानी विरामावस्था से चलना शुरू किया यानी विराम में है गाड़ी साइकिल, तो इसलिए प्रारंभिक चाल जो यू होता है ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा है 30 सेकेंड में कितना का वेग प्राप्त कर ले रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड का, यानी भी बराबर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद देखेंगे आप दूसरी स्थिति में तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए चाल जब उसका 6 मीटर पर सेकंड हो गया तब उसके बाद वो ब्रेक लगाया, तो देखिए यानी दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग है 6 मीटर पर सेकंड और जब ब्रेक लगाया तो टाइम लग गया 5 सेकंड, अब 5 सेकंड में इसका वेग जो है घट कर हो गया 4 मीटर पर सेकंड, यानी वेग पहले था इतना, ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड के बाद लास्ट में वेग इतना हो गया, यानी दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग इतना है और अंतिम वेग इतना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे चलें तो हमें दोनों स्थिति में त्वरण निकालना है, तो ए इज इक्वल टू होता है भी माइनस यू बाई टी, भी कितना है 6, माइनस यू कितना है 0, टी कितना है 30, तो 6 में से 0 घटाइएगा ना तो कितना बचेगा 6 बचेगा बटा 30। अब बताइए 2 से कटा दीजिए पहले या फिर 6 से ही कटा दीजिए, 6 कम 6 और 6 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब 2 से भाग दे दीजिएगा, सॉरी 5 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा पहले, यहाँ 0 आ जाएगा तो 5 × 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक ये आंसर हो गया पहली स्थिति का त्वरण। दूसरी स्थिति में त्वरण निकालना है तो भी कितना है 4, आयु कितना है 6, डिवाइड करना 5 से बिकॉज टाइम 5 सेकंड है, तो -2/5 होगा, भाग दे दीजिएगा ना तो माइनस, अब पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा तो 5×20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और ये क्या है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर कह रहा है कि एक खिलाड़ी है जो विराम से दौड़ना प्रारंभ करता है, यानी जब दौड़ना शुरू किया तो उसका वेग 0 था, विराम में था, 0 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग, और 5 सेकंड टाइम लिया है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया है, यानी अंतिम वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड। निकालने के लिए कह रहा है त्वरण का मान, ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, भी कितना है 20, यू कितना है 0, टी कितना है 5, 20 में से 0 घटाइएगा तो 20 होगा, आप 5 से भाग दे दीजिए तो 5×20, यानी ए इज इक्वल टू हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन जो है हम बना लिए। अब इसके बाद 7 नंबर तो बड़ा आसान था, फिर आइए हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन जो है समझाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का है, विराम अवस्था से चलना शुरू कर कोई रेलगाड़ी, यानी कोई रेलगाड़ी है जो विराम अवस्था से चलना शुरू किया है, यानी यहाँ भी यू बराबर होगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 5 मिनट टाइम लिया है, टी बराबर हो गया 5 मिनट, लेकिन एक काम करते हैं इस मिनट को सेकंड में बदलते हैं, 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 60×25 300 यानी हो गया 300 सेकंड, और वेग कितना का प्राप्त कर लेती है, वेग प्राप्त कर लेती है 72 किलोमीटर पर आवर का, यानी अंतिम वेग हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदले क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड है यहाँ सेकंड है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। बदलने के लिए हम आपको बताएं कि 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो 18×72 4×25 20 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आपको निकालना क्या है, त्वरण का मान और उतने समय में तय की गई दूरी। तो पहले ए निकालिए, ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, भी कितना है 20, यू कितना है 0, टी कितना है 300। अब बताइए 20 में से 0 घटाएगा तो 20 अब बटा 300, तो 10 से 10 कट जाएगा, 2×1=2 और 2×15 बार में, यानी ए इज इक्वल टू हो गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एस निकालिए, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है यू 0 है, टी कितना है 300 है, और हाफ 1/2, और ए कितना है, ए अभी निकाले थे 1/15, और टी कितना है टी 300, और स्क्वायर है ना तो इसको 2 बार गुणा कर देते हैं। अब 300 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा भाई,
अब यहाँ 15 से कटा दीजिए 300 को, तो 15 दूना 30 और जीरो है तो जीरो, और दो से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि ये तो जीरो हो गया। आप प्लस 300 में 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3000, लेकिन ये 3000 मीटर में ना आ रहा है, 3000 मीटर आ रहा है ना, इसको आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 3000 मीटर को जब आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 30 से 30 कट जाएगा, किलोमीटर में चेंज कर ले तो आ गया 3 किलोमीटर, यानी तय की गई दूरी कितना हो गया 3 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हम इतना ही रहने देंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पार्ट 2 में हम लोग इसमें और 9 क्वेश्चन बाकी है तो उसको सॉल्व करेंगे।